हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मैं विलेज ब्लॉग। बहुत ज़ोर से गर्मी भी स्टार्ट हो गई है और गर्मी से तो परेशान रहते हैं सभी को। और अभी एकदम जंगल के किनारे आ गया हूँ, इधर हमारा पेड़ पौधा लगा हुआ है तो इधर ही थोड़ा बरसात के लिए फायरवुड जुगाड़ी हो रहा है, उसी को ऐसे ही देखने के लिए आ गया था। ये देखिए, यह है फुटकल का फड़ा हुआ फायरवुड, ये बरसात के लिए जमा किया जा रहा है। दोस्तों, बरसात में बारिश होती है तो सारा लकड़ी उकड़ी भींग जाता है और जंगल जा भी नहीं सकते हैं बरसात में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम हो जाती है। तो बरसात के लिए गर्मियों में ही जुगाड़ी करना पड़ता है और ये सब पूरा हमारा पेड़ ही है। यह फुटकल का पेड़ इसी के डाली को काटा हुआ था और इधर कुछ फाड़ने के लिए बाकी है और इधर थोड़ा झाड़ी है, इधर से नहीं जाता हूँ ऊपर, चलता हूँ आगे की ओर। गाइस, अभी गर्मी का मौसम हो गया है, अपना अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ज़ोर से धूप पड़ रही है यार, और बिना मतलब के धूप में घूमना भी मत, क्योंकि लू भी लग सकती है और मेरी तरह आप लोगों का हालत ख़राब भी हो सकता है। इसलिए अपना अपना ख्याल रखिएगा गर्मी में, और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी पीने की कोशिश कीजिएगा। गुमला से थोड़ा ज़्यादा ही सुकून मिल रही है अपने गाँव में। और दोस्तों, गाँव आने से बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी दिनों के बाद में आया हूँ गाँव। जैसे घर घुसा दोस्तों, घर में बैग रखा, जूता खोला, चप्पल पहना, पानी पिया एक लोटा, उसके बाद में निकल गया हूँ इधर पहाड़ की ओर। और इधर काफ़ी हरियाली अभी नज़र आ रही है दोस्तों, नए नए पत्ते आ गए हैं सारे पेड़ पौधों पे। कुछ दिन पहले बहुत ही झड़ चुका था सब चीज़, एकदम नंगा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी तो हरियाली ही हरियाली चारों ओर दिखाई दे रही है। एक पेड़ लगाया था, पता नहीं उसका हालत क्या है, उसे ही देखने आ गया हूँ मैं। इतनी गर्मियों में मेरा हालत ये है, तो छोटा सा पेड़ लगाया था, उसका हालत क्या होगा, लगता है सूख गया। गमहर का पेड़ था दोस्तों और पानी की कमी की वजह से ये सूख गया है। ये इसके जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है, बरसात में भी नहीं निकलेगा, अब इसका लाइफ ही ख़त्म हो गया। इधर है दोस्तों हमारा आम पेड़, लेकिन फल नहीं लगे हैं, खाली पत्ते अभी दिख रहे हैं हरे भरे। इधर मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, ये है महुआ का पेड़ दोस्तों, जंगल के किनारे किनारे है। और इधर ऊपर वो हमारे गाँव का पार्ट है और वहाँ बहुत सारे मधुमक्खियाँ हैं, लेकिन अभी दिख नहीं रहे हैं गर्मी की वजह से, थोड़ा धूप भी पड़ रही है इसलिए कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, इधर महुआ का पेड़ तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम महुआ का पेड़ है दोस्तों। लेकिन आम का पेड़ पूछिए मत, बहुत ही बड़ा बगीचा है एक ठू, उसमें पूरा आम का पेड़ ही भरा हुआ है। और गाँव के पास भी एक ठू बाज़ार डांड है, मार्केट प्लेस, उसमें भी पूरा आम का पेड़ ही है। और इधर से ये रास्ता से दूसरे गांव वाले भी आते हैं, हमारे गांव में बाज़ार लगती है, इधर से हमारे गांव वाले भी जाते हैं उधर अंदर जंगल में लकड़ी लाने के लिए। गाइस, थोड़ा सा काम पड़ गया था, अंधेरा भी हो गया है, पूरा पहाड़ दिख रहा है इधर साइड साइड में। गाइस, अभी शाम हो गया है देखिए, और हमारे गाँव के बच्चे सब आए हैं तालाब में, ये है तालाब, इसमें स्नान करने के लिए आए हुए हैं शाम में, देखिए पूरा यहाँ जंप करने के लिए तैयार हुए हैं। चलो चलो, खेत के बीच में हूँ मैं अभी, और अभी जा रहा हूँ वापस घर। तो अभी शाम हो गई है, मेरा कैमरा तो कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो गाइस अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फ्रेश ब्लॉग के साथ में कल। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ खास तो नहीं है ब्लॉग में। तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज़।